हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन मलाई कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। इसी की रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि किस तरह से ये स्टार्टर के रूप में बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन 250 ग्राम मैंने लिया है। अब इसमें 3 चम्मच गाढ़ा दही हमें ऐड करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, हरी धनिया और मिर्ची का पेस्ट 1 चम्मच, 1 क्यूब चीज़ की ग्रेट करके डालनी है इसमें हमें, नमक स्वादानुसार मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला और काली मिर्ची फ्रेश जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सब जो मसाले डाले वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ मैं, अमूल की क्रीम यूज़ करी। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको 1/2 घंटा मैरिनेशन के लिए फ्रिज में स्टोर कीजिए। 1/2 घंटे के बाद जब इसे फ्रिज से निकाला है तो ये देखिए ये प्रॉपर मैरिनेट हो चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक ग्रिल पैन रखेंगे। अब इसमें मैंने बटर पैन के ऊपर छोड़ दिया है, इसे अच्छे से फैलाएँगे और एक एक करके जो हमारे कबाब्स हैं उनको इस ग्रिल पैन में हम लगाते जाएंगे। और हमें इस समय में जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम हाई रखना है क्योंकि मैरिनेट करते समय चिकन काफ़ी टेंडर हो चुका है। अभी इसे हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। ये लगभग 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे और इसे ध्यान रखना है कि ढककर नहीं पकाना। अगर हम इसे ढककर पकाएंगे तो ये अपना जो जूस है वो छोड़ेगा, पानी छोड़ेगा। हमें इसी तरह हाई फ्लेम पर, इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाना है और इसी तरह से उलट देना है, साइड चेंज करनी है उसकी। ये देखिए धीरे धीरे ये सब पकने शुरू हो चुके हैं, अभी ये पक गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कॉल को गैस के ऊपर गरम करना है। अब इस कॉल को हम एक कटोरी में रखेंगे और जो हमारे कबाब्स ग्रिल पैन पर हैं उसके ऊपर बीच में इस कटोरी को रखकर ऊपर से तेल को डालेंगे और जब धुआं उठेगा तो इसे ढक देंगे ताकि जो कोल का अरोमा है वो मलाई कबाब में ऐड हो जाए और ये तंदूरी टेस्ट दे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह करने के बाद जब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे तो ये देखिए कितने सॉफ्ट ये अंदर से मलाई कबाब हैं, जिसे आप सिजवान सॉस के साथ या मिंट की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो मेरे सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए।